आपने बहुत सारे लोन्स पे वीडियो दिए हुए हैं कि आपको सीए से पूछ के लोन लेना चाहिए कि नहीं, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट का, फिर ये बहुत सारे चीज़ें हमने दिए, पर फिर भी हमको क्वेश्चन आया है कि लोन लेने के समय या लोन के बाद कि ROI दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या होता है ये फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या होता है ये रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ होम लोन्स, पर्सनल लोन्स और ऑटो लोन्स पे लगता है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमको आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि ऐसा एक बेहतरीन वीडियो बनाए जिसमें हम इसका डिफरेंस बता सके, जिसमें हम कैलकुलेट करके बता पाएंगे कि रिड्यूसिंग और फ्लैट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो बी विद अस, दिस इज सिल्वेस्टर रॉड्रिक्स फ्रॉम एस कार्स एक्सपर्ट। बहुत सारे हमारे कस्टमर की कॉल आते हैं, हमें पूछते हैं कि सर फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। बहुत सारे सेल्स पर्सन जो कस्टमर्स को कॉल करते हैं, कंफ्यूजन होता है कि सर ये लोन हम आपको ये रेट पे दे रहे, फ्लैट रेट पे दे रहे, जबकि ये रिड्यूसिंग नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो हमने इस वीडियो को बनाया और आपको प्रॉपर एक ब्रेकअप देंगे, प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग देंगे, जिसमें आपको क्लैरिटी होगी कि क्या होता है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक लोन अमाउंट जो कि हम लोग ने 10 लाख लिया है, जो कि फ्लैट इंटरेस्ट का एक नॉर्मल शेड्यूल बनाया है, नॉर्मल रीपेमेंट और एसओए बनाया है, जिसमें हमने 10 लाख का बताया है, जिसमें 9% और 36 मंथ्स का टेन्योर रखा है। अगर आप इसको प्रॉपरली देखोगे विथ प्रॉपर इसे ईएमआई जब जा रहा है, जो भी 35,278, जिसमें दोनों का ब्रेकअप होता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का, तो यहाँ इंटरेस्ट आ रहा है 7,500 और प्रिंसिपल आ रहा है 2778। क्योंकि अगर आप चेक करोगे जो ये फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये शेड्यूल है, हर महीने इसका इंटरेस्ट सेम हो रहा है, हर महीने आप देखिए, सेकेंड महीने में भी सेम जा रहा है, थर्ड महीने वैसा, 36 मंथ्स तक उसके टेन्योर तक सेम जा रहा है और प्रिंसिपल भी सेम जा रहा है। तो इसमें क्या था, ये एक्चुअली ये बहुत ही आप बोल सकते हैं ओल्ड टाइम का थॉट प्रोसेस था, वेरी एशियन टाइम में था ये सब, जब ये सब होता था। अभी 10-15 साल पहले बैंक्स करते थे, NBFCs करते थे, ये महंगा भी था, ये बहुत एक्सपेंसिव था, क्योंकि आप अगर देखोगे तो इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ बिल्कुल रिड्यूस नहीं हो रहा है या कम नहीं हो रहा है, EMI सेम है, अगर इंटरेस्ट इज सेम। सो बट नाउ व्हाट इज हैपेंड, द बेस्ट पॉइंट इज कि अभी आपको रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वापर था, कन्फ्यूजन ये होता है कि सर रिड्यूसिंग होता क्या है, क्या रिड्यूस होता है, क्या EMI रिड्यूस होता है, नहीं EMI सेम ही रहेगा, EMI नेवर रिड्यूसेस। तो यहाँ भी हमने रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ शेड्यूल लिया है, जिसपे 10 लाख का हमने लिया है लोन अमाउंट और 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वर्कआउट किया है। यहाँ आप देखोगे अगर 9% का रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का EMI आ रहा है 31,800 का आ रहा है और इंटरेस्ट कंपोनेंट भी इसका 7,500 आ रहा है। यस, EMI कम बट इंटरेस्ट देखो सेम हो जाता है एंड प्रिंसिपल आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। यहाँ पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखोगे कि यहाँ इंटरेस्ट इज रिड्यूसिंग, हर महीने से इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है, 7,500 है, सेकेंड महीने में 7,318 है, 7,134 है, ऐसा करते करते वो रिड्यूस हो रहा है और एट लास्ट में आके वो जीरो हो जाता है। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्यों रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, रिड्यूस इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप हर महीने के आपके आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल को देखोगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस को देखोगे, वो कम हो रहा है और वो कम होने की वजह से उस पे आपका इंटरेस्ट लगता है 9% का और 8,76,000। अभी मैं फिफ्थ मंथ का दिखा रहा हूँ, ये फिफ्थ मंथ का है, यहाँ पे देखिए फिफ्थ मंथ में 8,76 पे आपका इंटरेस्ट 9% के हिसाब से 6,763 रुपीज़ है, 6,763। उसी तरह से मैंने 12 महीने का देख लिया 696, उसी महीने 17 महीने का देख लिया और 24 महीने में आप देख लीजिए 3,63,000 का आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल का इंटरेस्ट 9% पकड़ेंगे तो 2,944 उसका इंटरेस्ट होता है। तो पहले बहुत सारे कन्फ्यूजन होते थे बैंकों में, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते, कस्टमर के बीच में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते थे कि सर होम लोन का 20 ईयर्स का टेन्योर है या फिर कार लोन का 7-5 ईयर्स का टेन्योर है, दूसरे बैंक का बिजनेस लोन का 5 ईयर का, उसमें सर बैंक पहले 18-20-24 महीने में या 36 महीने में इंटरेस्ट पहले ले लेती, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले अगर आप देखोगे तो लोन हमेशा ज़्यादा रहता है, लोन ज़्यादा होने की वजह से इंटरेस्ट कंपोनेंट ज़्यादा रहता है। अगर 50 लाख का लोन लिया है आपने फर्स्ट मंथ में और उसका EMI 50,000 है, तो एब्सोल्युटली उसमें से आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट बहुत ही कम रहेगा,
और प्रिंसिपल बहुत आई मीन टू से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा और प्रिंसिपल बहुत कम रहेगा. बट प्रिंसिपल जैसे बढ़ते जाओगे बाय द टाइम ऑफ टाइम तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आपका कम होता है क्योंकि आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल जो यहाँ पे मैंने बताया वो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कम हो रहा था, इसके वजह से आपका इंटरेस्ट कम हो रहा था. जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि कैसे आप अपना फ्लैट और रिड्यूसिंग रेट चेक कर सकें, तो हमने एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे बनाया, सिंपल है, ईजी है, आप देख लीजिए. अगर आपको कभी फ्लैट रेट चेक करना है तो फ्लैट रेट इज इक्वल टू रिड्यूसिंग रेट डिवाइड बाय 2.2. एकदम सिंपल है. किसी ने आपको बताया कि सर ये आपका जो लोन है वो 16% पे चल रहा है, 16% सर आपका ये है, तो आपको उसका फ्लैट रेट ढूंढना, तो 16 डिवाइड बाय 2.2 इज नथिंग दैट 7.27. तो ये 7.27 क्या होता है, ये आपका फ्लैट रेट आ गया. सेम सिमिलरली अगर आपको आपका रिड्यूसिंग रेट ढूंढना है तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है. आपको रिड्यूसिंग रेट इज इक्वल टू फ्लैट रेट इनटू 2.2. अगर किसी ने आपको बता दिया कि सर आपको आपका फ्लैट रेट इज अराउंड, अगर आपको रिड्यूसिंग रेट ढूंढना है और आपको बता दिया कि सर आपका फ्लैट रेट इज अराउंड 8%, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 8% इनटू 2.2 जो कि आंसर समथिंग आएगा 16.7 ऐसा कुछ आता है. तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है. किसी ने अगर आपको फ्लैट रेट बताया तो आप रिड्यूसिंग चेक करवा सकते हो और किसी ने आपको रिड्यूसिंग बताया तो आप फ्लैट चेक करवा सकते हो. इसी तरह से आपको चेक करना है कि क्या रेट पे बेसिकली आपको दिया जा रहा है. बट आज और इस टाइम पे एवरी टाइम आपका रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही होता है क्योंकि आपका प्रिंसिपल जो है वो हमेशा कम होते रहता है. ये तो हुआ फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, और आपने तो पता चले कोई भी आपको फाइनेंस के बारे में हमने सब कुछ बता दिया है. बट अगर आपको कोई भी ऑटोमोबाइल्स की कोई क्वेरी होगी, आपको मेरे से पता है वी आर एस कार्स एक्सपर्ट इन कांदूरी फॉर 16 इयर्स, आपको कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा, इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग, सेल योर कार, फाइनेंस इट, इंश्योरेंस, आरटीओ, वी आर हियर ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यू कैन फॉलो अस, यू कैन कॉल आवर हॉटलाइन नंबर्स ऑल्सो. दिस इज सिल्वेस्टर रॉड्रिक्स, थैंक्स अ लॉट.